हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, निखिल मॉम ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को प्यार। आ गई हूँ मैं फिर से अपने नए वीडियो के साथ। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको कुमाऊँ में होने वाला हुड़की बॉल। तो दोस्तों, सबसे पहले ना उत्तराखंड में कुछ भी म्यूजिक का साधन नहीं हुआ करता था, और कुछ भी यहाँ पर ऐसा साधन कुछ भी नहीं था। तो आज भी वहाँ पर पुरानी जो लेडीजें हैं ना, तो ये हुड़की बॉल का सहारा लेके अपना नाच गाना बजाना करते हैं। क्योंकि आज के युग का जो साउंड चला हुआ है, जो कि म्यूजिक साधन चले हुए हैं, डेग वेग हैं, वो एक दूसरे को देख के सीख तो ले रहे हैं, लेकिन है उनको उनसे वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो इसलिए वो हुड़की बॉल में कितना इंजॉय करते हैं, कितना मजे करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। सभी को पता है कि यहाँ की लेडीज़ कितना हार्डवर्क करती हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको रोपाई की वीडियो डाली हुई थी, तो आज मैं डाल रही हूँ अपना दहन, जिसको आप यहाँ के लोग बोलते हैं रागी, और कहीं के लोग कुछ बोलते हैं, कहीं के कुछ बोलते हैं। तो जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी आज माना गया, लेकिन आने वाले समय में इसको कोई नहीं बोने वाला है। तो वहाँ पर आज भी उत्तराखंड में ये बोया जाता है, और उसको बोने का और उसकी जो गुड़ाई होती है ना, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है। तो वहाँ की लेडीज़ हैं ये हुड़की बॉल लगा के उनके साथ गाती हैं, चाचरी गाती हैं, चाचरी गा के इसको इंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को। और मतलब Yeah.
गाइज यहाँ की लेडीज ना सुबह 10 बजे से शाम के रात के मतलब 6-7 बजे तक हम खेत में रहती हैं। खेत में वो लोग मतलब गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करने के बाद कोई लोग गुड़ाई करते हैं, कोई के पीछे पीछे से मतलब जहाँ जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ रोपने का काम करते हैं, मतलब लगाने का काम करते हैं। हमने भी बहुत ही काम करा हुआ है, शादी से पहले मैंने मतलब स्कूल के साथ साथ गुड़ाई निराई रोपाई सारा काम करा है, इसलिए हमें ये वीडियो देखने को बहुत मन करता है। इसलिए मैं आपको मैंने तो करे हुए काम है तो हमें देखने को बहुत मज़ा आता है और अपने कुमाऊँ का पहाड़ का कल्चर जो है हम आगे को बढ़ाने के लिए आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी गलती उसे क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में तो क्या है कि प्लाइन हो गया है। प्लाइन होने का मुख्य कारण है कि उत्तराखंड में ना कहीं कहीं साधन नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ मेन कारण कि वहाँ जॉब नहीं है। हॉस्पिटल स्कूल तो वहाँ पे अभी मतलब अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे मेन कारण है कि वहाँ जॉब का कोई साधन नहीं है, इसीलिए लोगों को मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आते हैं, जॉब करते हैं, फिर यहाँ आके लेडीजें सोचते हैं कि बस शादी करके हमें अभी दिल्ली जाना है, तो सब लोग कोई दिल्ली बम्बई इस तरह से आ जाते हैं, फिर यहीं बच जाते हैं। तो प्लान का मुख्य कारण यही भी। बाकी जो है कि जो हमारी मम्मी लोग हैं, सास लोग हैं, वो अभी भी वही काम करते हैं क्योंकि उनने वही काम कराया, उनको वही काम मज़ा आता है, तो वो ये काम कितने इंजॉय से कितने मज़े से करते हैं। हम उसी काम को मतलब बोझ लेके करते हैं, वो उसी काम को इंजॉय करते हुए करते हैं, तो इसी को हुड़के बॉल कहते हैं। आप देखते हैं आदर दी 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 आदर
रहती हूँ नोएडा में, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि रहती है नोएडा में और उसके पास कहाँ से मतलब रुपाई के मुंडू उड़ाने के मतलब इस तरह के वीडियो आती रहती हैं, तो ये बात भी सच है। और जैसे कि आपको पता ही है आजकल मोबाइल का युग है जिसमें कि फेसबुक इंस्टा और व्हाट्सएप पे लोग स्टेटस लगाए रखते हैं। मेरी भाभी लोग, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं ना, तो उत्तराखंड में ही, मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे भी वीडियो सेंड कर दो। वही वीडियो जो मेरे पास आती है मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ आप लोगों तक अपना कुमाऊँ का पहाड़ का कल्चर दिखाने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, तो आप भी खूब इंजॉय करें उनकी। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हंसना बहुत ज़रूरी है, हंसो और हंसाते रहो, ये एक मिशन है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है मेरी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पर, मिलती हूँ एक नेक्स्ट।